सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्याण। स्वागत है आपके अपने चैनल फिनटेक सील पर। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने ड्राइव के आइकन्स को कस्टमाइज कर सकते हो, कैसे आप किसी भी पिक को अपने ड्राइव के आइकन के तौर पे सेट कर सकते हो। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन है विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू मिनिमाइज ऑल दी ओपन विंडोज इन दी स्क्रीन। आप इनमें से किस की कॉम्बिनेशन को यूज करके सारे ओपन विंडोज और एप्स को एक बार में मिनिमाइज कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है और इसके आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो की एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ड्राइव के आइकन्स को कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर आपके पास दो मेथड है। सबसे पहला मेथड है ऑटो रन फाइल के थ्रू और सेकंड है रजिस्ट्री के थ्रू। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ लोकल डिस्क ई को ऑटो रन फाइल के थ्रू इसके आइकन को चेंज किया और डी के रजिस्ट्री के थ्रू। तो दोनों मेथड्स मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इजी मेथड बता देता हूँ, जो कि है ऑटो रन फाइल के थ्रू। और इन दोनों मेथड्स को यूज करने से पहले आपको एक काम करना होगा, वो है अपने पिक को आइकन फाइल में कन्वर्ट करना। मतलब आप जिस भी फोटो को, जिस भी पिक को एज अ आइकन सेट करना चाहते हो, उसे आपको पहले .ico फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। और वो कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप जाए इस वेबसाइट पर, image.online-convert.com। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी कर लेना। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको चूज फाइल में क्लिक करना है। चूज फाइल में क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले आप जिस भी पिक को कन्वर्ट करना चाहते हो उसे आप लोकेट करके सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल, मैं डेस्कटॉप में अपने पिक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। पिक अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक कर देना है। और हाँ, अगर आप पिक को कस्टमाइज करना चाहते हो, मतलब अगर आप उसे इनहेंस करना चाहते हो, शार्पन करना चाहते हो, या आप उसमें कोई फिल्टर लगाना चाहते हो, तो आपको नीचे में वो भी ऑप्शन मिलेगा, आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको कोई चेंजेस नहीं करना है तो आप डायरेक्ट स्टार्ट पे क्लिक कर दो। तो देखिए, अब आपका पिक कन्वर्ट हो चुका है और वो डायरेक्ट ही डाउनलोड हो जाता है। अगर डाउनलोड नहीं होता तो आप यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक कर सकते हो। और इसके बाद आपने जो भी आइकन फाइल जिसे कन्वर्ट किया उसे आप सेलेक्ट करके अलग से एक जगह पर रख ले, जैसे कि मैं यहाँ पर रख लेता हूँ डेस्कटॉप में। और इसी तरह से आप जिस भी पिक को एज ए आइकन सेट करना चाहते हो उसे आप आइकन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। आप चाहो तो आप अपने बाबू का पिक भी लगा सकते हो, बस घर वालों के सामने ना लगाए वरना बाबू के लग जाएंगे। खैर, जोक्स अपार्ट, तो अब आपको क्या करना है, आपको ऑटो रन फाइल क्रिएट कर लेना है। ये मैं आपको पहला मेथड बता रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप विंडोज प्लस आर प्रेस करें और नोटपैड टाइप करें, या फिर अगर आप चाहो तो डायरेक्ट राइट क्लिक करके यहाँ से न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो नोटपैड ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा कोड लिखना है। वो कोड है अंडर ब्रैकेट ऑटो रन आइकन इक्वल टू माई आइकन डॉट ICO। यहाँ माई आइकन को चेंज करके यहाँ पर आपका जो आइकन फाइल या जो पिक है जिस नाम से है उसे आप चेंज कर लेना। जैसे कि मेरा है यहाँ पर न्यू नाम से, तो मैं इसे माई आइकन को हटा के यहाँ पर न्यू लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान रखना है। जैसे कि मेरे इस फाइल का नेम जो है वो स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर में है N, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी N कैपिटल लेटर में लिखा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका फाइल जो है वो काम नहीं करेगा। मतलब आपका जो आइकन है वो जिस नाम से, आपको सेम टू सेम यहाँ ऑटो रन फाइल में भी उसे वैसे ही कॉपी कर देना है। फिर इसे आपको सेव कर लेना है। तो सेव करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, इसे आपको डायरेक्ट सेव नहीं करना है। सबसे पहले तो आपने जहाँ पर अपने आइकन फाइल को रखा है वहीं पर इसे सेव करें। तो जैसे मैंने डेस्कटॉप में रखा हुआ है तो मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक करके इसे ऑल फाइल्स कर देना है। ऑल फाइल्स करने के बाद आप इसे नाम दे दें ऑटो रन। ऑटो रन लिखने के बाद आपको डॉट देना है और डॉट दे के लिखना है आपको INF। तो देखिए, इसी तरह आपको लिखना है। पहले आपको नीचे में सेव एज टाइप में ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको फाइल नेम में ऑटो रन डॉट INF लिखना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, वरना आपका जो ऑटो रन फाइल है वो काम नहीं करेगा। तो देखिए, जैसे कि मेरा ऑटो रन फाइल और मेरा आइकन फाइल दोनों रेडी है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट कर ले, उसके बाद आप इसे कट कर ले। और कट करने के बाद आप जिस भी ड्राइव के आइकन को चेंज करना चाहते हो उस ड्राइव में जाए और उसके अंदर इसे पेस्ट कर दे। और पेस्ट करने के बाद आप फिर से इन दोनों को सिलेक्ट कर ले, उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाए और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद इसे आप हिडन कर दे। हिडन इसलिए कर देना ताकि देखने में अच्छा लगे, जब आपके ड्राइव में कोई आए तो ये ऐसा ना लगे कि आपने इन सब चीज़ों से इसे चेंज किया, देखने में अच्छा लगे। उसके बाद आप अप्लाई और ओके कर दे।
तो जैसे ही आप इसे हाइड करोगे यहाँ से हट जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना। जैसे ही आप रीस्टार्ट करोगे आपके ड्राइव का आइकन चेंज हो जाएगा। और ये जो मैंने ऑटो रन फाइल का कोड यूज किया है ये आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हो या फिर मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। यहाँ पर आप एक और बात का ध्यान रखें, आप जो भी आइकन फाइल या जो पिक सेलेक्ट कर रहे हो उसका नाम आप एक ही वर्ड का रखो। जैसे कि मैंने यहाँ पर न्यू रखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि कभी कभी अगर बड़ा आप वर्ड रखते हो उसमें आप स्पेस देते हो तो कभी कभी वो शो नहीं करता। ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप छोटा सा एक ही वर्ड का रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आते हैं अपने सेकेंड मेथड पर जो है रजिस्ट्री के थ्रू। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, विंडोज प्लस आर प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पर टाइप करें REGEDIT, उसके बाद इंटर करें तो देखिए आपके सामने विंडोज रजिस्ट्री ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्री के सबसे टॉप वाले फोल्डर्स में जाना है। जैसे कि यहाँ पर है, आप देख रहे हो एच की क्लासेस रूट, एच की करेंट यूजर, एच की लोकल मशीन, एच की यूजर्स और एच की करेंट कॉन्फ़िग। तो आप जब विंडोज रजिस्ट्री ओपन करोगे तो इसी तरह के आपके सामने चार पांच फोल्डर्स बने होंगे। तो इसमें से आपको इस फोल्डर में जाना है, एच की लोकल मशीन में। उसके बाद आप इसे इंटर करें। इंटर करने के बाद आपको फिर सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करना है। सॉफ्टवेयर के नीचे फिर आप जाओगे तो यहाँ आपको माइक्रोसॉफ्ट को सेलेक्ट करना है। और मान लो कि आपको किसी फोल्डर का नाम नहीं मिल रहा, जैसे जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर आपको इस तरह किसी फोल्डर का नाम नहीं मिल रहा तो आप उस फोल्डर के फर्स्ट लेटर को प्रेस करो तो उससे भी वो शो हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको जाना है विंडोज में, तो इसके लिए आप W प्रेस करें या तो आप नीचे स्क्रोल करते जाए। तो देखिए ये रहा हमारा विंडोज फोल्डर। फिर विंडोज़ के अंदर आपको जाना है करेंट वर्जन में, ये वाला फोल्डर। फिर करेंट वर्जन को सेलेक्ट कर ले, जैसे कि इस तरह रहेगा तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना। फिर करेंट वर्जन को सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है एक्सप्लोरर फोल्डर में, तो इसके लिए आप ई प्रेस करें। तो देखिए ये रहा हमारा एक्सप्लोरर फोल्डर यहाँ ऊपर में। फिर एक्सप्लोरर फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ड्राइव आइकन को सेलेक्ट करना, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ड्राइव आइकन फोल्डर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये जो ड्राइव आइकन फोल्डर है ये किसी किसी विंडोज़ में पहले से ही बना हुआ रहेगा और किसी किसी में नहीं रहेगा। तो अगर आपके एक्सप्लोरर फोल्डर के अंदर ये ड्राइव आइकन फोल्डर नहीं बना है तो इसे आपको क्रिएट कर लेना है। तो क्रिएट कैसे करना है, आप एक्सप्लोरर पर राइट क्लिक करें, उसके बाद आप न्यू सेलेक्ट करें, फिर की सेलेक्ट करें, उसके बाद आप यहाँ पर ड्राइव आइकन्स टाइप कर दें। तो यहाँ पर आपको फोल्डर बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखना कि जब आप फोल्डर बनाओ तो यहाँ पर बीच में स्पेस ना दो। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने ड्राइव आइकन्स के बीच में कहीं भी स्पेस नहीं दिया हुआ है, या फिर यहाँ पर किसी भी फोल्डर के अंदर कोई भी स्पेस नहीं दिया हुआ है जितने भी नाम लिखे हुए हैं। तो इस तरह अगर आपका ड्राइव आइकन फोल्डर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ है तो आप इसे बना ले। फिर बनाने के बाद आप फिर से ड्राइव आइकन फोल्डर के अंदर जाए, इसके बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद फिर न्यू सेलेक्ट करके फिर की सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जिस भी ड्राइव के आइकन को चेंज करना चाहते हो, मान लो कि मैं जी ड्राइव के आइकन को चेंज करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ जी लिख के फिर उसे इंटर कर देना है। इसके बाद आप उस ड्राइव आइकन पर फिर से राइट क्लिक करें, फिर न्यू सेलेक्ट करें और फिर की सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको यहाँ पर इस की का नाम देना है डिफ़ॉल्ट आइकन। फिर आप क्या करें, यहाँ से आप राइट वाले पैनल पर आ जाए और यहाँ जो ये डिफ़ॉल्ट नाम का फाइल बना है उसे डबल क्लिक करें। फिर आपको यहाँ इसमें वैल्यू ऐड करना है। तो सबसे पहले आप जिस ड्राइव का आइकन चेंज करना चाहते हो उसका लेटर यहाँ पर लिखें, जैसे मुझे जी ड्राइव का आइकन को चेंज करना है तो मैं पहले जी लिख देता हूँ। उसके बाद कॉलन का मार्क दे, उसके बाद बैक स्लैश का मार्क दे। फिर आपको यहाँ पर अपने आइकन का नाम लिखना है, तो यहाँ ध्यान से लिखें जो आपका आइकन का नाम हो उसे सेम टू सेम लिखें। न्यू लिख के, जैसे मेरे आइकन का नाम न्यू है तो मैंने न्यू लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर .ico लिख देना है, यानी आइकन फाइल का एक्सटेंशन। उसके बाद ओके प्रेस कर दे। बस इतने ही स्टेप थे, ये सारे स्टेप आप ध्यान से फॉलो कर लो, फिर आपका रजिस्ट्री का काम हो गया। इसके बाद फिर आप अपने आइकन फाइल को सेलेक्ट कर ले, उसे कॉपी कर ले और फिर आप जिस भी ड्राइव के आइकन को चेंज करना चाहते हो वहाँ पेस्ट कर दे। तो मैंने जी सेलेक्ट किया था तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप इसके प्रॉपर्टीज में जाए और इसे भी हाइड कर दे। फिर आप कंप्यूटर को अपने रीस्टार्ट करें और आपका ये आइकन चेंज हो चुका होगा। तो ये थे वो दोनों मेथड जिसके थ्रू आप अपने ड्राइव के आइकन्स को चेंज कर सकते हो। तो इन दोनों मेथड्स में से आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप उसका यूज कर सकते हो। ये थी आज की वीडियो। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पर, और आज का क्वेश्चन था विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज इन दी स्क्रीन। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन थे, Shift+Del, Ctrl+S, Alt+P या Windows Key+D।
तो इसका सही आंसर है Windows Key+D। Windows Key+D को प्रेस करके आप सारे विंडोज को एक बार में मिनिमाइज कर सकते हो, या जो भी टास्क आप अपनी स्क्रीन पर कर रहे हो उन सबको एक बार में मिनिमाइज कर सकते हो। ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें FinTech Shield को। अब मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ।